तुझे लगता है कि किसी वजह से हमारी जोड़ी बनाई है भगवान ने? मेरे पास भी एक वजह है इस शादी को ना मानने की। जानता है वो क्या है? तुम ठीक हो देविका? मैं ठीक हूं। तूने मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की है, इसलिए ऐसा नाटक मत कर जैसे तुझे मेरी फिक्र है। और जिस इंसान को कैद करके तूने शादी की थी ना मुझसे, आज भी वो इंसान मेरी पसंद है। एक बार ये झूठी शादी से छुटकारा मिल जाए मुझे, फिर मैं अपने आलेख के पास वापस लौट जाऊंगी। चल बाहर कहीं खुली हवा में जाते हैं। इस घर में साला घुटन होती है मुझे। सांप वाला प्लान तो फेल हो गया। उस सांप ने देविका की बजाय उस वरुण की मां को काट लिया। और वो लड़की अभी भी जिंदा है। वकील को उल्लू बना के वो सारे पैसे ले जाएगी और हम हाथ में खाली कटोरा लेकर घूमते रह जाएंगे। इतने सालों से इस दिन का इंतजार किया है मैंने। उस लड़की का मरना जरूरी है। अभी वो घर से बाहर है। निशाना बनाओ, गोली मार दो उसे। जो लड़की मेरे सांप लाने से नहीं मरी, वो तुम्हारी गोली से मर जानी चाहिए। देविका इस घर में जिंदा वापस नहीं आनी चाहिए, समझे? मैं मजबूर थी आलेख, उस वरुण के साथ जबरदस्ती शादी हुई है मेरी। नहीं मानती मैं उस शादी को। मुझे तो तेरे साथ जिंदगी बितानी है, तेरे साथ शादी करनी है, तेरे साथ जन्म भर का रिश्ता बांधना है। चार बजे वकील आ जाएगा और इस परिवार की जायदाद जो 18 सालों से ताले में बंद पड़ी है वो खुल जाएगी। मुझे भी मेरा हिस्सा मिल जाएगा और फिर मैं उस वरुण को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो अपनाएगा ना मुझे? कैसी बातें कर रही हो देविका? कब से इंतजार किया है मैंने तुम्हारा, क्यों नहीं अपनाऊंगा तुम्हें? मैं भी चाहता हूं कि हम जन्म जन्म के लिए एक हो जाए। देविका, तू यहां भी आ गया? अरे दिल पी, प्रॉब्लम क्या है? क्यों पीछा नहीं छोड़ता मेरा? क्यों आया यहाँ पे? तुम्हारी जान बचाने के लिए। तुम्हें पता है घर में जो सांप आया था वो खुद नहीं आया था, और भी लाई थी उसे, और अभी उसने किसी आदमी को भेजा तुम्हें गोली से मारने के लिए। एक बात बता, तुझे थबाब में हड्डी बनने के लिए इससे बेहतर कोई बहाना नहीं मिला? तू पहले कहता था कि आलेख बुरा इंसान है, गलत है मेरे लिए, अब कहता है कि उर्मी बुरी है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हारी जान को खतरा नहीं है। दफा हो। देविका!
किसी आ जाए ना जाए ना जाए ना हो रे पियारे हो रे लम्हे तू कहीं मत जा हो सके देविका, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ठीक हूँ मैं। Just relax, okay? Pia. देविका, देविका! क्या हुआ वरुण? पिछले आदमी ने गोली चलाई थी, मैं उसे नहीं पकड़ पाया, लेकिन उसकी गाड़ी का नंबर निकाल लिया। बहुत जल्द पता कर लूंगा वो आदमी कौन था। दिखा नंबर। ये तुझे मेरी कितनी फिक्र है ना वरुण। तुझे बिना बात का फ्लॉपी स्टार कहती थी। तू तो कितना अच्छा एक्टर है। अरे तुझे तो वो काली औरत वाली टॉर्फी मिलनी चाहिए। देखना, मुझे तो सच में यकीन हो गया कि तू मेरी जान बचा रहा है, मेरी फिक्र कर रहा है। क्या कह रही हो तुम? मैं सच में तुम्हारी जान बचा रहा था। अच्छा, अब भी पता चल जाएगा। ले आ उसे। कहने पर तूने मुझ पर गोली चलाई? वो वरुण साहब ने पैसे दिए थे। झूठ बोल रहा है आदमी। झूठ तो तू बोल रहा है। पहले अपने आदमी को बेचकर मुझे गोली चलवाने की कोशिश की और फिर खुद ही बचाकर हीरो बन गया। वाह, मतलब ये वरुण नहीं भेजा था इसे थारे को मारने के वास्ते? मारने को नहीं कहा था, गोली लगनी नहीं चाहिए, बस पास से जानी चाहिए, ऐसा कहा था। तू झूठ। झूठ तो तू बोल रहा है, खुद को देख, सर से लेके पांव तक झूठ ही झूठ। तेरी कौन सी बात में सच्चाई है बता, और ऐसी ओछी हरकतें करना बंद कर। अगर तुझे ऐसा लगता है कि तू इससे मेरे और आलेख के बीच में आ सकता है तो ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे बार बार ये चीज याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मुझे हमारी शादी की वजह क्या है पता है ना तुझे? तुझे और मुझे ने इस घर के एक एक इंसान को ये बात पता है। इसलिए मुझे पटाने की और मेरी फिक्र करने का नाटक करने की कोशिश मत कर, तू समझा? तेरा और मेरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ नाम का है। जब पैसे मिल जाएंगे तो तू तेरे रास्ते और मैं मेरे रास्ते, अपने काम से काम रख। तू इससे ज्यादा तेरा और मेरा रिश्ता ना कभी था ना कभी होगा, कागज का रिश्ता है। असली पति बनने की कोशिश मत कर तू, समझा? सब मैं जाऊं क्या? तू बताएगा? एक मिनट वरुण, रिलैक्स। इस गरीब पे हाथ उठाकर कुछ नहीं होने वाला। इसने तो वही किया है ना जो उसे बोला गया था करने के लिए। सही कह रहा है। अरे ये तो हुकुम का गुलाम है, टपकने के लिए तैयार आम है।
ले जा इसे। चल तुझे वहीं पहुंचाता हूं जहां से तू है। चल। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों ही आंखों में यारों का दिल खो जाता है। दुनिया में लोगों को मैं जानता हूं शिजब आपने किया है। तो जानकर भी क्या कर लिया तूने? अभी कुछ नहीं कर पाया, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं करूंगा। देविका चाहे मेरे साथ जैसा भी सुलूक करे लेकिन मैं उसके साथ गलत सुलूक नहीं होने दूंगा। ढाल बन के खड़ा रहूंगा उसके सामने। देविका का बुरा चाहने वालों को पहले मुझसे निपटना होगा, इसलिए आज के बाद देविका को नुकसान पहुंचाने से पहले 100 बार सोचना। नींद नहीं आती ना रातों को? दिल की धड़कनें तेज रहती होंगी बिना बात बेचैनी। ये सब तो प्यार की निशानियां हैं। हीरो को हीरोइन से प्यार हो गया है। वाह वाह, राम मिलाए जोड़ी, एक कील और एक हथौड़ी। तू चोर और वो तेरी चोरनी। वैसे एक बात बता, हीरोइन को तुझसे प्यार नहीं हुआ ना? नफरत करती है वो तुझसे, नफरत। मेरा प्लान ना छिपकली की पूंछ है, जो एक बार कट जाए तो वापस आ जाए। एक प्लान फेल हो गया तो दूसरा रेडी। तू तो दिल दे बैठा है, और एक बार जब दिल टूटता है ना तो वो दोबारा नहीं जुड़ता। कर पाएगा किसी और से प्यार? नहीं ना? नहीं, अब दर्द नहीं हो रहा। अरे हाँ, पहले दर्द हो रहा था पर अब ठीक हूँ। अरे कहाँ ना ठीक हूँ मैं, कितनी बार कहूँ ठीक हूँ ठीक हूँ। पर जो चोट दिल पे लगी है उसका क्या करे डॉक्टर बाबू? उसका इलाज तो आप फोन पे नहीं कर सकते ना, उसके लिए तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा। सच कहते हैं लोग, दिल ना किसी का जाए, जान जाए तो जाए। सच, तुझसे दूर रह के ना मेरी तो जान ही जा रही है। अरे ये क्या बदतमीजी है? जिसके लिए जान जा रही है ना वो तुम्हारी नफरत के भी लायक नहीं है। अच्छा अब तू मुझे बताएगा कौन मेरे लायक है और कौन नहीं? नाम का पति तू समझा? मेरा बस चले तो तुझे अभी घर से बाहर फेंकवा दूं। हमारा शादी वाला लॉयर वक्त से पहले उस तरफ क्या देख रहा है? इतनी सी बात पे गुस्सा? अभी शादी को एक ही दिन हुआ है और अभी से पति पे गुस्सा? अच्छा बाबा सॉरी, सुबह की चाय मैं ही बनाऊंगा। वकील के सामने नाटक तो करना पड़ेगा ना। हाँ तो
मैं भी थोड़ी ना सच में गुस्सा थी, मैं तो तेरा प्यार आजमा रही थी। मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे वकील साहब आइए ना प्लीज। शादी मुबारक हो। थैंक्स। दरअसल मिस्टर अधिराज रजावत की वसीयत से जुड़ी एक आखिरी बात बतानी थी आप सबको। सब क्यों, पैसे देने आया है ना तू? वसीयत की बात है, सब सामने रहेंगे, अच्छा होगा। बैठिया बैठिया। नमस्ते वकील बाबू, पधारिए। तो वकील बाबू, ये दस्तावेजों पे दस्तखत हो जाने के बाद अधिराज की जायदाद उनकी बेटी देविका को कब मिलेगी? वो तो इस लिफाफा के खोलने के बाद ही पता चलेगा। लिफाफा? हाँ, आपके पिताजी मिस्टर अधिराज रजावत वसीयत के साथ एक बंद लिफाफा भी छोड़ गए थे और उन्होंने कहा था कि इस लिफाफे को शादी के अगले दिन खोला जाए। खुद मुझे भी नहीं मालूम इसके अंदर क्या है। क्या लिखा होगा इस लिफाफे में? लगता है पूरी पार्टी पलटने वाली है। पढ़ के बताइए। सिर्फ शादी कर मेरी बेटी या बेटे को दौलत नहीं मिलेगी, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी या बेटा अपने जीवन साथी के साथ सुखी रहे और उनकी शादी सफल हो या नहीं, ये तभी पता चलेगा जब दोनों एक साथ खुशी खुशी 6 महीने बिताएं। 6 महीने के आखिर में जब वो मुलाजिम इस बात पर मोहर लगा देगा कि मेरी बेटी या बेटा अपने जीवन साथी के साथ सच में खुश है, तभी मेरी बेटी या बेटे को मेरी जायदाद मिलेगी। मतलब और 6 महीने जायदाद के लिए इंतजार करना पड़ेगा। आगे और भी लिखा है, अगर यह साबित हुआ कि मेरी बेटी या बेटे ने गलत इंसान को जीवन साथी चुना है तो सारा पैसा ट्रस्ट को चला जाएगा और एक बंधी हुई तनख्वाह मेरी बेटी को मिलेगी। कमाल का सोचा था अधिराज सर ने, अपने बच्चों की खुशियों की कितनी फिक्र थी उन्हें। क्या खाक खुशियों की फिक्र, हमें फिर से बना गया 6 महीनों के लिए फर्टीचर। मतलब अब और 6 महीने के लिए ये दोनों साथ में रहने वाले हैं। अब 6 महीने और झेलो इनको। मतलब और 6 महीने वरुण भेड़ा नहीं हो सकता। बकवास है ये सब। ए संके बुढ़िया, मैंने इस बात के लिए हामी नहीं भरी थी तेरे साथ। बात हमारी यह हुई थी कि कुछ दिनों के लिए तेरी पोती बनने का नाटक करूंगी, फिर तो शादी का चक्कर ले आई। और तब भी मैंने कहा था शादी मेरी मर्जी से होगी, वो भी नहीं हुई। और अब ये 6 महीने, अरे भाड़ में गए तेरे 6 महीने। मैं एक मिनट भी इस घर में नहीं रहने वाली, समझी तू? तुझे तेरी हवेली मुबारक, संभाल अपनी हवेली, मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसे। जा देविका जा, यहां तो गई और वहां सारा पैसा मेरा। क्यों पकड़ा मेरा हाथ? छोड़। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह इस रिश्ते को कागज का रिश्ता नहीं समझता। क्यों, तू भी पैसों की खातिर आया था ना? मैं भी पैसों के लिए ही आई थी। पर इतना सारा नाटक करना पड़ेगा, नौटंकी करनी पड़ेगी, ये नहीं पता था? पर अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। और तू, तेरे झोल तो खत्म ही नहीं होते, झोल पे झोल, झोल पे झोल। पहले कहा पोती बन, फिर शादी, और अब ये 6 महीने। क्यों रुकूं मैं 6 महीने, और वो भी उस इंसान के साथ जिससे मैं नफरत करती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। है एक आदमी जो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है और मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। तो फिर मैं क्यों रहूं यहाँ पे, मैं क्यों ना जाऊं उसके साथ? एक वजह बता दे।